Assalamu alaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Reading General Knowledge Grade 3, Chapter number 16, and the topic is Safety. Chapter number 16, Safety. What is safety? Safety is to be careful or cautious in doing different tasks. अगर हम बात करें कि सेफ्टी जो है वो क्या सिर्फ घर पे ही है, सेफ्टी हम बहुत ज़्यादा हमें जोर दिया जाता है सेफ्टी एट रोड पे, सेफ्टी एट स्कूल पे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न मशीन्स आती रहीं, वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गई. डेफिनेटली हमें उनकी ज़रूरत है, उनके बगैर हमारा जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया. लेकिन ऑन द सेम वे फिर क्या है कि हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, सेफ्टी मेजर्स और ज़्यादा बढ़ने लगी, पर्सनल सेफ्टी जो है वो नेसेसरी और ज़्यादा होने लगी. किस तरह से, अगर सबसे पहले हम बात करें कि सेफ्टी एट होम क्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्टोव आना शुरू हो गए, मैच बॉक्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं. आप जो है वो अगर जाते हो किचन में तो आपको गैस स्टोव से नहीं खेलना चाहिए, उसे टच नहीं करना चाहिए. फिर उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास शार्प टूल्स आए, जैसे नाइफ्स आई, नीडल्स आई, ब्लेड्स आए, सीजर्स आए, तो इससे भी क्या है कि आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्डर आपको इनको यूज़ करना है, अगर आपको यूज़ करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये आप ही को हर्ट करते हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही सब कुछ है. फिर उसके बाद अगर बात करें तो आप टॉयज़ के साथ खेलते हो, टॉयज़ के साथ खेलने के बाद आप उन टॉयज़ को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखो. क्या हो सकता है कि जब आप फ्लोर पे रखोगे तो कोई भी उसे स्लिप हो सकता है. फिर उसके बाद बात करें अगर वायर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि वायर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो हैं, उनको टच नहीं करना आपको. उससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं. सॉकेट्स को आपको टच नहीं करना, किसी भी इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ को जो बेयर फुटेड हो उसको टच नहीं करना आपको. फिर उसके बाद अगर आपके हाथ वेट हैं और आप वेट फ्लोर पे खड़े हो, तब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस को टच ना करो, दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक. ये सारी बातें जो हैं ऑन द होल किसके लिए हैं, ये हम सब के लिए हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं. फिर उसके बाद अगर बात करें कि बाथरूम फ्लोर के बारे में बात करें, अगर वेट फ्लोर है, बाथरूम फ्लोर वेट है, तो उसमें भी आपको प्रिकॉशन क्या है कि आपको केयरफुली वॉक करना है, केयरफुली करना है जो भी काम करना है. फिर उसके बाद सेफ्टी एट स्कूल की बात करें तो सेफ्टी एट स्कूल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. वो सारी चीज़ें आपको रोज़ बर रोज़ बताई जाती हैं कि काम आपको नहीं करने, इन चीज़ों से आपको बचना है, लेकिन फिर आप वो चीज़ें कर रहे होते तो उससे नुकसान किसका है, हमारा अपना नुकसान है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बेंचेस पे खड़े हो जाते हो, आप उससे गिर सकते हो, आप हर्ट हो जाओगे. फिर उसके बाद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, उनसे आप हर्ट हो सकते हो अगर आप उनको केयरलेसली यूज़ करो. फिर उसके बाद अगर आप प्लेग्राउंड में जाते हो तो एक दूसरे को पुश ना करो, अपनी वेट का टर्न करो. और उसके बाद कॉरिडोर्स में आप स्टेयर से मूव करते हो तो वो भी आप तेज़ी से नहीं आएँ, आप गिर जाएंगे. आप क्यू में आएँ और अब फिर वही बात कि अपनी टर्न का वेट करें, एक दूसरे को पुश ना करें. और स्विंग्स जो हैं आपके प्लेग्राउंड में, जो स्विंग्स होती हैं, उनके सामने भी आप ना खड़े हों, हो सकता है कि स्विंग तेज़ी से चल रही है और उससे भी आप हर्ट हो सकते हैं. फिर अगर बात करें आउटडोर सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, अगर हम सेफ्टी ऑन द रोड की बात करें तो आपको फुटपाथ पर चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं आप राइट देखें, लेफ्ट देखें और फिर राइट देखें, ताकि आपको पता चले कि आपकी फ्रंट पे किस तरह से ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है. फिर उसके बाद बहुत से मैंने बच्चों को देखा है रोड्स पे खेलते हुए, ये बहुत डेंजरस है, बहुत हार्मफुल है आपके लिए, तो आपने रोड्स पर भी खेलना नहीं है. और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखना है. बहुत सी ऐसी मेजर्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिक वायर्स को टच ना करो, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को टच ना करो, कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसी मशीन ना यूज़ करो जो आप, जिससे आपको ख़तरा ज़्यादा है. फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी बात उन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर की भी की हुई है, नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स में कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे हम बच सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस को हमें देखना है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमें अपना क्या रोल प्ले करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 16, सेफ्टी. कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ.